नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स फन टेक में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी ट्यूटोरियल शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि क्यूआर कोड और बारकोड किस तरह से जनरेट किया जाता है, आप अपना पर्सनल बारकोड और क्यूआर कोड किस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सभी ने कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स पे बारकोड और क्यूआर कोड जरूर देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं बारकोड्स और क्यूआर कोड्स को किस तरह से जनरेट करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और सारे स्टेप को फॉलो करिए और अपने अकॉर्डिंग आप अपना बारकोड और क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एमएस वर्ड में आप किस तरह से क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आपको जो मर्जी, मतलब अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ही ओपन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ से आपको गेट एड इंस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस पर आप क्लिक करें, मेक श्योर कर ले कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गेट इंस पे क्लिक किया और इसके बाद ऑफिस एड इंस स्टोर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है QR कोड और इंटरप्रेस करना है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड सर्च करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको क्यूआर फॉर ऑफिस को ऐड करना है, ठीक है। इसका आप रेटिंग भी देख सकते हैं, अच्छा खासा है। और यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लाइसेंस टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो जाएगी। इसको आप पढ़ के और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही, मतलब उसको जैसे ही उसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा QR फॉर ऑफिस। और सिंपली यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है और देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा QR ऑफिस ऐड था। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि HTTPS लेना है या HTTP लेना है, या फिर जो भी इसमें से सारा ऑप्शन आप देख सकते हैं। आपको कुछ अगर अपना टाइप करना है तो आप यहाँ से कस्टम चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे bing.com लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करते हैं तो अपना मैं यहाँ पे अगर URL टाइप करूँ तो जैसे ही आप लिंक पेस्ट करेंगे तो आपके सामने HTTP, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं HTTPS और जो भी आपका लिंक है यहाँ पे आपको शो हो रहा है और इसी का QR कोड यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं अगर ग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ रेड हो गया है, फिलहाल मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। ब्लैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड कलर भी चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बैकग्राउंड क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अगर रेड ही बैकग्राउंड चूज करूँ तो देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसका रेड हो चुका है। तो फिलहाल मैं इसे वाइट पे ही रहने देता हूँ और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ से आपको आता है साइज़, नेक्स्ट स्टेप में आपका साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो जितना आपको साइज़ चाहिए यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये QR कोड आ चुका है मेरे सामने। सेम तरीका से आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। मैं ओपन करके आपको दिखा दूँ। तो एक्सेल ओपन करके यहाँ पे एक्सेल में भी अगर QR कोड आपको देखना है तो यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ से फिर से आपको इंसर्ट पे जाना है। इसमें इस बार आपको माय एड इंस, यानी कि क्योंकि आप पहले से एक बार सेव कर चुके हैं तो यहाँ भी आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐड पे क्लिक करता हूँ, सेम वही चीज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ भी मैं कस्टम ले करके, ठीक है, और मैं पेस्ट करूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी QR कोड जनरेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे अभी साइज़ को नहीं बढ़ाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी सारे टूल्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपली मैं इंसर्ट करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी QR कोड इंसर्ट हो चुका है। तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी टेक्स्ट को, या फिर नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, उसको आप QR कोड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर अब देखते हैं बार कोड किस तरह से जनरेट करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी एक्सेल या वर्ड के किसी फाइल में हम बारकोड को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी जो भी मेरे पास
सपोज डैट कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेल में एक प्रोडक्ट आईडी और बार कोड है, इन नंबर को मुझे बार कोड में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको बार कोड के कुछ फॉन्ट्स आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक एक करके सारे फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस फॉन्ट का नाम है बार कोड फॉन्ट, उसके बाद है कोड 39। ये आपको याद रखना है क्योंकि सर्च करने में फिर आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक्सेल में चलता हूँ। एक्सेल में कुछ डेटा मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका था, तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। पहले था वो का कोड 39, ये मैं सेलेक्ट कर लिया कोड 39। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं ये बार कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद में एक और मेरे पास था, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ऐसे ही दिख जाएगा। ये था, ये भी आप देख सकते हैं इसका साइज शायद बहुत बड़ा होने के कारण नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके साइज़ को छोटा कर देता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट, और एक और था जो भी को 39, और एक और था ये, एक तो ये था और उसके बाद और एक ये था जिसको आप आसानी से देख सकते हैं बार कोड फॉन्ट। और इसकी साइज़ को मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये बार कोड फॉन्ट यहाँ पे नंबर के साथ, आपको जो सही लगे अपने अकॉर्डिंग। मैं इसीलिए तीन टाइप का फॉन्ट इसमें दे चुका हूँ, आपको जो सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसी को मैं वर्ड में अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आ गए हम वर्ड में। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, और प्रोसेस के बाद यहाँ से मैं उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं सेलेक्ट किया और ये बार कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से आप अपने वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या किसी भी डॉक्यूमेंट में इस फॉन्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इन सभी फॉन्ट्स की मदद से आप बार कोड जनरेट कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियोस रेगुलर देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।